राम राम। मैं पंडित एसके मिश्र, किसी महिला या पुरुष का संभोग वशीकरण करना चाहते हैं या चाहती हैं तो यहाँ पर जो प्रयोग है उसको आजमा के देखिए। यहाँ पर जो प्रयोग है उसको शाम को 6 बजे के बाद ही करना है, जब भी आपको टाइम मिले करिएगा, एकांत में आपको करना है। 6 बजे के बाद आप हाथ पैर धो करके या स्नान करने के बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं। अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है, एक एक स्टेप में समझा रहा हूँ, उसको जरा समझिए। जब भी आप संभोग वशीकरण के लिए कोई उपाय करते हैं या करती हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करना है। किसी को चीट करने की नीयत से, ब्लैकमेल करने की नीयत से, हानि या क्षति पहुंचाने की नीयत से कदापि इसका दुरुपयोग नहीं करना है। किसी की नैतिकता के खिलाफ कोई प्रयोग ना करें, कानून के दृष्टिकोण से जो गलत हो उसका भी प्रयोग ना करें। यदि कोई आपको दिल से चाहता है या चाहती है वहाँ इसका प्रयोग किया जा सकता है। यदि आप लोग का संबंध ठीक ठाक चल रहा था, अचानक रिश्तों में कुछ खराबी आ गई है और इसको लेकर के आप परेशान हैं, पीड़ित हैं, चैन नहीं है एक पल भी उसके लिए, तो वहाँ इसका प्रयोग करके अपने रिश्तों को बैलेंस कर सकते हैं। या आप लोग का साथ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक आपको इग्नोर करने लगा है या इग्नोर करने लगी है, अब वह आपको भाव नहीं दे रहा है या भाव नहीं दे रही है और उसको पाने की इच्छा में आप काफी परेशान हैं, आपका दिमाग बिल्कुल टेंशन में है, तनाव में है, आप किसी भी काम में आपका मन नहीं लग रहा है, चाह के भी उसकी याद से आप बाहर नहीं निकलना है, वहां इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जब भी आप कोई प्रयोग करें तो कुछ बातों को आपको ध्यान देना है। जिसके लिए भी आप वशीकरण का प्रयोग करें तो जब भी आपको टाइम मिले अपने हृदय के पास अपना हाथ रखें ऐसे और आंखें बंद कर लें और अपने हाथ के स्पर्श को यहां अनुभव करें। अनाहत चक्र हृदय के पास होता है, हृदय का मतलब हार्ट, हार्ट का मतलब दिल। प्रेम पाना चाहते हैं, संबंध अच्छे बनाना चाहते हैं, जीवन में खुशियां चाहते हैं तो इस पर आपको अधिक ध्यान देना पड़ेगा। अगर अपने हाथों का स्पर्श आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सोचिए कोई हरा पत्ता है यहाँ पे, पान का पत्ता, पीपल का पत्ता, जब भी आपको समय मिलेगा आप ऐसा करके देखिएगा। घंटा दो घंटा करने के बाद आपके अंदर इतनी खुशी होगी, इतनी शांति मिलेगी और उसके बाद किसी वशीकरण टोटकों का, वशीकरण मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो आसानी से उसमें आपको सिद्धि मिल जाती है। वशीकरण का प्रयोग करने से पहले अपनी एनर्जी को भली भांति आपको रीड करना है। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो किसी प्रयोग में आपको सफलता मिल जाता है, यूं कहें कि अल्प समय में ही मिल जाता है। और यदि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है तो सफलता मिलने के चांसेस कम होते हैं और मिलता भी है तो बहुत लंबे समय के बाद। अतः आवश्यकता है अपनी एनर्जी को बैलेंस करना। इसके लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं जो हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे ही सीख सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी एनर्जी बैलेंस है कि नहीं है इसके लिए अपना तुरंत खींचा हुआ फोटो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो मैं एनर्जी रीड करके आप लोग को बता दूँगा और जो उचित होगा आपको सही मार्गदर्शन दूंगा। हम चलते हैं आज के उपाय पर। सर्वप्रथम आपको अपने इष्ट का स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो किसी गुरु की तलाश करके या प्रयोग करें। बिना गुरु के कोई साधना सफल नहीं होती है, अतः आवश्यकता है गुरु का होना। और फिर भी यदि आपको गुरु नहीं मिलता है तो आपको परेशान नहीं होना है,
मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इस प्रयोग में आप जिसको अपने बस में करना चाहते हैं या बस में करना चाहती हैं उसका कोई फोटो ले लीजिए, चाहे कोई कपड़ा हो या रुमाल हो, कुछ भी उसका आपको लेना है। एकांत कमरे का आपको चयन करना है। बैठने के लिए कोई आसन वगैरह बिछा लीजिए जो ऊर्जा का कुचालक हो, चाहे कुश का बना आसन हो, कंबल का बना आसन हो या ऊन का बना आसन हो। जब भी आप बैठिएगा तो ध्यान दीजिएगा आपकी रीढ़, कमर, गर्दन बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अपना मुख उसके घर की तरफ करके करिएगा। यहां पर एक मंत्र है, पहले मंत्र को ध्यान से देखना है, सुनना है। मंत्र को जरा ध्यान से सुनिएगा, ओम रूम रूम। फिर उसका नाम लिखना है, सह संभोगम कुरु कुरु फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है सदाभाव से 108 बार। उसके फोटो के सामने इस मंत्र का आपको जाप करना है। यह मंत्र शुक्रवार से शुरू करके गुरुवार तक करना है, 7 दिन करना है, और उसका फोटो अपने जेब में रख लेना है। यदि उसका फोटो नहीं है, उसका आपने कोई रुमाल लिया या वस्त्र का छोटा टुकड़ा लिया है तो उसको भी अपने जेब में रख लीजिएगा। यह करने के बाद 3 घंटे में उसका संभोग वशीकरण हो जाएगा। अपने आप में सरलतम प्रयोग है, आजमा के देखिएगा। मैंने अब भली भांति समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग जीवन में इसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई आर्थिक समस्या हो, कोई मानसिक समस्या हो या कोई शारीरिक समस्या हो तो बिल्कुल निराश ना हो, अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। और एक बात और, यदि आपने इस टोटके का, इस मंत्र का प्रयोग किया और आपको सफलता नहीं मिलती है तो आप परेशान ना हो, आप हमसे संपर्क करें। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आप लोग के लिए करूँगा, यदि आप सही कार्य के लिए करने जा रहे हैं तो। और आप चाहते हैं कि अपने घर बैठे वशीकरण साधनाएं सीखना तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।